Ladies and gentlemen, please join your hands in welcoming our next guest, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Mr. Ajit Pawar. Come, sir. Please come. If there is one politician who is arguably the most inscrutable and also in some ways the most controversial and also someone who has stayed away from the media for a very long time but finally a few months ago broke his silence to us during the campaign and is now perhaps for the first time on a national conclave platform, please welcome the Maharashtra Deputy Chief Minister and NCP leader, Mr. Ajit Pawar. दादा, when I called you controversial, आपके चेहरे पे मुस्कान आई. एंड द वन बिग डिफरेंस आई हैव सीन इन लास्ट वन मंथ, यू आर स्माइलिंग मोर देन आई हैव सीन यू इन लास्ट 30 इयर्स. क्या हो गया है? कुछ री इन्वेंशन हुआ? आपने नया जैकेट का कलर भी बदल दिया है और आप अब मुस्कुराने लगे हैं. राजदीप जी, जब मैं मुस्कुरा नहीं था तो बोलते थे ये मुस्कुराता ही नहीं, अभी ये शुरू किया तो ये मुस्कुराता ही है. मुझे जो ठीक लगता है वैसा मैं करता हूं, मैं किसी का सुनने वाला नहीं. मेरे मन में जो आता है वो मैं करता हूं, वही मैं बोलता हूं. नहीं, पर ये मुस्कुराहट और आपने कलर भी बदल दिया अपने जैकेट्स के. मैं देख रहा हूं आजकल आप बड़े कलरफुल जैकेट्स. किसी ने, मुझे कहा गया, किसी इमेज मेकर ने दादा को कहा है, दादा थोड़ा मुस्कुराइए, इतना कठोर मत रहिए. ये जैकेट पहना है कलर वाला, इसीलिए आपने सवाल पूछा ना. अगर हमेशा जैसे जैकेट पहन के आता तो आप पूछते ही नहीं थे. आपने मुझे सवाल पूछने के लिए ये जैकेट पहना है. नहीं, बट इज देयर अ री इन्वेंशन ऑफ अजीत पवार की जब से आप पिछले एक साल से आप एक तरह से आप पर एक के बाद एक विवाद कंट्रोवर्सी था और जब चुनाव आए लोकसभा के तो आपका परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रहा, केवल एक सीट जीत पाए तो लोगों ने कहा अब अजीत पवार का क्या होगा. डू और डाई मोमेंट है ये विधानसभा इलेक्शन. डू यू अग्री कि आपके लिए अब 2024 असेंबली इलेक्शन डू और डाई फॉर अजीत पवार? अभी देखो, हम ये जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, महायुति का गवर्नमेंट है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र जी, मैं और हमारी तीनों की पार्टी और बाकी के हमारे जो ग्रुप में अलग अलग छोटे छोटे पार्टियां सब मिला के वो चला रहे. मुझे ऐसा नहीं लगता, हम अच्छी तरह से हमने योजनाएं लाई है, काम किया है, डेवलपमेंट का काम शुरू है. तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हुए हैं, वो उन्होंने पहले ही कैबिनेट में अपने यहां वाढ़वन पोर्ट, जो बहुत सालों से हमारे मन में था कि होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, 30 साल चालू है लेकिन कभी हुआ नहीं, उसको करीबन 76,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है. वो काम अभी शुरू होगा. हम डेवलपमेंट का सोचते हैं और उसी हिसाब से आगे जाना चाहते हैं. मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, हम जब महाराष्ट्र के वोटर्स के सामने जाएंगे, लोगों के सामने जाएंगे, तब यही बताएंगे कि सेंट्रल में अभी एनडीए का गवर्नमेंट आया है, उसी का ही गवर्नमेंट यहां अगर आया महाराष्ट्र में तो अपने को ज्यादा फायदा होने वाला है. कैसा फायदा होगा? तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नया आने के बाद एक बजट आया तो बजट में आंध्र प्रदेश को ज्यादा पैसा मिला, बिहार को ज्यादा पैसा मिला, उसी हिसाब से अपने महाराष्ट्र को भी ज्यादा फंड्स मिलना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है, हमारा इरादा है और उसी हिसाब से हम लोगों के सामने जा रहे हैं. अलग अलग जो इश्यू थे, जब पार्लियामेंट का चुनाव था तब अपने महाराष्ट्र में हमने जो देखा रूरल एरिया में, प्याज की जो एक्सपोर्ट प्याज होना चाहिए था वो बंद किया था, वो अभी हटवा दिया. अभी प्याज एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी मदद चालू है और फार्मर्स को दाम भी अच्छे तरह से मिल रही है. ऐसे अलग अलग हमारे इश्यू थे जो फार्मर्स के थे, ज्यादा करके सोयाबीन हो या कॉटन हो या शुगर केन हो, ये बहुत से इश्यू हम
प्राइम मिनिस्टर के पास या होम मिनिस्टर के पास जाके वो उसमें से रास्ता निकाला है, तो लोगों को जो चाहिए था वो हमने करके दिखाया है। और हम अभी लोगों को बताने वाले हैं कि अगर दूसरा गवर्नमेंट आया तो वो क्या बोलेगा। देखो, सेंट्रल वाले हमारा सुनता ही नहीं तो हम क्या करें। बहुत से ऐसे इश्यू रहते हैं जो फार्मर्स के भी, कि जो सेंट्रल के हाथ में रहते हैं। हम फार्मर्स को बताएंगे या हम महाराष्ट्र के लोगों को बताएंगे कि अगर हमारा ही गवर्नमेंट आएगा तो ये सब इश्यू हम जाके वहां सॉल्व कर सकते हैं, वैसा अपोजिशन वाले नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार लेके आप जा रहे हैं, लेकिन अभी आप जो स्माइल कर रहे हैं कि तीन महीने में, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुए मई में, उस चुनाव में एक चीज होती है अजीत पवार, आप अपनी धर्मपत्नी सुनेत्रा जी को अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ाते हैं। अब मुझे आज सच बताइए, क्या ये सही है कि अमित शाह जी ने आपको कहा कि आपको लड़ाना पड़ेगा, अगर आप वाकई इस अलायंस में रहना चाहते हैं तो आपको सुप्रिया सुले और शरद पवार को टक्कर देनी पड़ेगी, क्या ये आपको अमित शाह जी ने कहा था और उस वजह से आपने उनको लड़ाया? बिल्कुल मुझे किसी ने नहीं कहा था, पहले ही मैंने आपको बताया है, मैं किसी का नहीं सुनता, मेरे मन में जो आता है वो मैं करता हूँ। लेकिन उसमें अमित शाह ने बताया नहीं था, किसी ने बताया नहीं था, और बाद में जब रिजल्ट आया और कुछ दिन गए तो मेरे मन में आया कि मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया, तो मैंने किसी के इंटरव्यू में बता दिया कि वो मेरा वो गलती थी आपकी। वो गलती थी, मैंने बताया ना, वो मैंने वैसा नहीं करना चाहिए था। बाद में जो काम करता है ना वही गलती करता है, जो काम ही नहीं करता है उसकी गलती होती ही नहीं है, वो काम ही नहीं करता। नहीं नहीं, पर ये बताइए, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ, एनसीपी टूट गई, आप अपने ही, मैं किस तरह से उनको कहूँ, आपके गुरुजी कहूँ उनको, शरद पवार जो है जिन्होंने आपको एक तरह से राजनीति में लाया, उनके खिलाफ आप चले गए, आपने एनसीपी को तोड़ा, फिर आप अपनी पत्नी को सुप्रिया के खिलाफ लड़ाते हैं बारामती में, क्या कहीं ना कहीं जब आप रात को सोते हैं तो सोचते हैं यार ये गलत किया, शरद पवार के जो इतने साल से मेरे बेनिफैक्टर थे, मेरे गुरु थे, उनके खिलाफ मैंने बगावत की, ये भी सोचते हैं? ये बगावत वगैरह कुछ नहीं की, आप गलत पूछ रहे हैं, मैंने बहुत दफा बताया, अभी वो जो इशू हुआ है उसको एक साल हो के गया, वो बार बार उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तब बताया था, हमने बहुत दफा, जब उद्धव जी ठाकरे का गवर्नमेंट अभी जाने वाला है, मेजोरिटी वो उनके हाथ में नहीं रही थी, खुद एकनाथ राव जी शिंदे चीफ मिनिस्टर ने कुछ विधायकों को लेके वो बाहर सूरत गए थे, तब हमें पता चला, मैं मंत्रालय में बैठा था कि अभी ये गवर्नमेंट जाएगा, मेरे चेंबर में, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही था तब, मेरे चेंबर में सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक इकट्ठा हुए, तब जो मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे वो भी सब इकट्ठा हुए, सबने एक लेटर तैयार किया, वो लेटर सबने साइन करके हमारे लीडर पवार साहब के पास वो भेजा। हमारा तब का मिनिस्टर राजेश टोपे ने वो लेटर लेके साहब के पास गए, साहब के हाथ में वो लेटर दिया, सभी आज साहब के साथ जो विधायक है उनकी भी साइन उसमें है, मेरे साथ जो विधायक है उनकी भी साइन उसमें है, और वो बताया कि अगर बीच में अढ़ाई साल में कोरोना करीबन एक डेढ़ साल चालू था, कुछ ज्यादा काम हुआ नहीं डेवलपमेंट का, हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे आते हैं तो लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ काम वहां होना चाहिए, वो काम नहीं हुआ है, इसीलिए जैसे आपने 2014 में से बाहर से सपोर्ट किया था भारतीय जनता पार्टी को, फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने थे, तो हम चुनाव का रिजल्ट चालू था, क्लियर रिजल्ट आया नहीं था, तो ही डिसीजन मेरे ख्याल से प्रफुल्ल पटेल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बताया हमने बाहर से सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट कोई भी हंग असेंबली आ रही है तो हमारा इनको सपोर्ट है, और वो सपोर्ट देने के बाद हमें
कहा गया कि सब जाओ देवेंद्र के, नहीं तब तो 2014 की बात है। हाँ। आप कह रहे हो 2000 नहीं, सुनो सुनो सुनो, वो तब हुआ, बाद में 2019 का जाने दो, ये उद्धव जी का गवर्नमेंट गया, तो ये सब होने के बाद हमें हमारे प्रमुख ने ये जो बताया कि आप ऐसा करो, हम जरा सोचेंगे और इसमें से रास्ता निकालेंगे। सभी का कहना था फिर ऐसा होगा कि वो रिजाइन करेंगे, मेरे ख्याल से 1 मई या 2 मई तारीख थी, और रिजाइन करने के बाद वहां नया पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाएगा 2-3 दिन में, हम 14-15 लोग इकट्ठा होके उसके बारे में तय करेंगे और आगे का होगा। लेकिन वो बाद में हुआ नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट किया लेकिन बाद में क्या हुआ हमें अधिकार नहीं उनको पूछने का कि क्यों चेंज हुआ, वो उनका अधिकार है। तो आप कह रहे हैं पवार साहब एक एटलीस्ट पार्टी तैयार थी भाजपा को सपोर्ट करने उस समय, लेकिन मेरा ये सवाल आपको है, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस के जनरल विवेक कहते हैं कि अजीत पवार की वजह से हम हारे हैं, कि अजीत पवार की वजह से अजीत पवार की एक छवि बन गई है, ये उस जर्नल में है कि वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, उसी अजीत पवार को जिसको हमने टारगेट किया कि वो करप्ट है उसी अजीत पवार के साथ जुड़ गए इसलिए हमारा नुकसान हुआ, क्या कहेंगे? मेरे ऊपर एलिगेशन कब हुए? 2019 में, 9-10 में, अभी 2024 चालू है, इतने साल में मेरे ऊपर अगर एलिगेशन हुए, मैटर चली, कोर्ट में चली, उसमें कुछ भी नहीं निकला ना, एलिगेशन करना बहुत आसान है सर, लेकिन आरएसएस बीजेपी खुद कह रही है। अभी आपने सवाल पूछने के बाद जवाब देने के लिए कुछ तो टाइम दे दो प्लीज। हाँ, तो फिर उसमें मेरे ऊपर एक भी जो एलिगेशन हुआ वो सिद्ध नहीं हुआ, फिर इसके बारे में मैंने किसके साथ चर्चा की थी? मैंने दिल्ली वालों के साथ चर्चा की थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड नड्डा जी, और या किसके साथ चर्चा की थी? देवेंद्र जी के साथ चर्चा की थी। हमारी जो चर्चा हुई गवर्नमेंट में जाने के बारे में, इतने ही लोगों के साथ चर्चा की थी, बाकी लोगों के साथ चर्चा करने का सवाल ही नहीं उठता। तो अभी ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, ये प्रेस में आ रहा है, मुझे उसमें कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। आप महायुति में रहेंगे? अभी तो महायुति में है ना, मैं महायुति का डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नाते आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो महायुति में ही हूँ। नहीं, ये कहा जा रहा है कि अगले 2-3 हफ्ते में अगर आपको उतनी सीटें नहीं मिली जितने आप चाहते हैं, आप रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये देखो, इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से तीनों बैठेंगे, कल भी हम अमित भाई के साथ बैठे थे औरंगाबाद संभाजी नगर में और चर्चा हमारी हुई है, आपको जल्दी पता चलेगा कि 288 सीट में कितने बीजेपी के पास, बीजेपी कितने सीट पे लड़ना चाहती है, हमारे एकनाथ शिंदे जी कितने सीट पे लड़ना चाहते हैं और हम कितने सीट पे लड़े। तो आप यहाँ आश्वासन दे रहे हैं, नो क्वेश्चन ऑफ महायुति ब्रेकिंग, कोई ब्रेक नहीं होगा? नो, अजीत पवार 2024 इलेक्शन महायुति के साथ लड़ेंगे, नॉट इन थर्ड फ्रंट। क्या आप शरद पवार के पास वापस जा सकते हैं? अरे अरे, क्या आपने क्या सोचकर मुझे बुलाया है, ये ऐसा जो आप जा सकते? मैंने बताया ना कि मैं महायुति में लड़ रहा हूं और महायुति का सरकार लाने की हमारी पूरी कोशिश है, जिम्मेवारी है, वो हम निभाएंगे। आपने हमें एक बार दोबारा ये भी कहा है कि आपने गलती की जो आपके पत्नी को सुप्रिया ताई के खिलाफ लड़वाया बारामती से। हाँ। क्या आपको रिग्रेट है कि आप शरद पवार को एक तरह से के खिलाफ गए हैं या कोई रिग्रेट नहीं है? नहीं, अभी जो हुआ है ना वो छोड़ दिया, उसके बारे में बार बार सोचने की जरूरत नहीं, हम बहुत आगे चले गए हैं, अभी आगे का हम सोचेंगे, पीछे का नहीं सोचेंगे। तो नो क्वेश्चन ऑफ एवर गोइंग बैक, ये फैमिली रियूनियन हो सकता है? आखिर महाराष्ट्र है, यहाँ तो कोई परमानेंट फ्रेंड और एनिमी नहीं होता है, कल वो आपके दोस्त भी बन सकते हैं। आगे का किसने कहा है? हम भविष्य बताने वाले लोग नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करना चाहते हैं,
महाराष्ट्र को आगे लेना चाहते हैं, अच्छी तरह से महाराष्ट्र में अलग अलग जो भी डेवलपमेंट के काम है उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मदद लाने का हमारे बजट में, ये हमारा जो बजट रहता है उसमें अच्छी तरह से नए नए जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट उसमें मंजूर करने का यह हमारा काम है। नहीं सर, मैं क्लैरिटी इसलिए चाहता हूं क्योंकि आपके कुछ सहयोगी वापस चले गए हैं एनसीपी में। कौन? कुछ पिंपरी चिंचवड में चले गए आपके पार्टी के लोग वापस एनसीपी शरद पवार में। मैं आपसे पूछ रहा हूं किसी भी हालत में आप शरद पवार के पास जा सकते हैं एक बार फिर या नहीं? एक देखो, पिंपरी चिंचवड में कौन गया? अभी हम शिवसेना और बीजेपी, हम तीनों मिलके आगे के 288 सीट लड़ना चाहते हैं। और वो सीट लड़ते वक्त पहले मेरे साथ जो लोग थे पिंपरी चिंचवड में, वो भोसरी एरिया के, उनको पता चला कि अभी हमें ये सीट तो सिटिंग एमएलए के नाते बीजेपी के पास जाएगी, यानी एनसीपी के पास नहीं रहेगी। उनमें से एक को अजीत गवाड़े उसका नाम है, उसको किसी हालत में इस दफा एमएलए की चुनाव में या एक विधायक के नाते लड़ना ही है, इसीलिए उन्होंने वहां जाने का तय किया। अभी इस दफा जब भी महाविकास आघाड़ी का जो सीट का बंटवारा है और महायुति का सीट का बंटवारा है वो डिक्लेयर होने के बाद जिनको एज अ एमएलए बनना है वो बहुत से लोग यहां से वहां, वहां से यहां जाएंगे। और दोनों पार्टी की तरफ से, मैं आपको बताता हूं, आज दोनों पार्टियों की तरफ से या गुट की तरफ से जिसमें इलेक्टिव मेरिट ज्यादा रहेगा उनको वो ले लेंगे। ऐसे तो हमेशा चुनाव के वक्त चलता ही है, तो वो चलता रहेगा आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में एक तरफ से। दूसरी तरफ दो चीजें और सर, एक लाड़की बहन स्कीम, आप वित्त मंत्री हैं, 46,000 करोड़ इसमें जाएंगे इस साल में, कुल मिला के 90,000 करोड़ जाएंगे आपके अलग अलग स्कीम में। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र ये तैयार है या केवल वोटर को लुभाने के लिए आपने कहा 1500 रुपए देंगे प्रतिमा लाड़की बहन? 90,000 करोड़ रुपए नहीं जाएगा, मैंने ही बजट पेश किया था टोटल, बाकी सब सुनो ना। 10 मैंने 10वीं बार ये बजट पेश किया है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर के नाते, उसमें 75,000 करोड़ रुपए की अलग अलग स्कीम है, लाड़की बहना है, बिजली माफी फार्मर्स के लिए 3 हॉर्सपावर 5 हॉर्सपावर 7.5 हॉर्सपावर की है, 3 गैस सिलेंडर फ्री है, और ये जो योजना है उसमें टोटल 75,000 करोड़ रुपए हम उसमें डालने वाले हैं गरीब लोगों के लिए। हमने उसमें लाड़की बहना के बारे में 2,50,000 के अंदर जिनका इनकम है उनको ही हम ये स्कीम का फायदा देने वाले, लाभ देने वाले। नो प्रॉब्लम, ये स्कीम परमानेंट है, इसमें ये केवल चुनाव के लिए नहीं है, परमानेंट स्कीम है, राइट? यस, परमानेंट स्कीम है, परमानेंट स्कीम है। आपने एक और बड़ी बात कही कुछ दिनों पहले, आपने कहा नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सेक्युलरिज्म। नीतीश राणे भाजपा के नेता जाके हेट स्पीच करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, आप बताइए आप खुश हैं बीजेपी के साथ? शरद पवार कहते हैं बीजेपी इज अ कम्युनल पार्टी, एनसीपी बीजेपी के खिलाफ रहेगी, आपको आप मुझे एक बताओ, शिवसेना कम्युनल पार्टी है? नहीं, ये आप शरद पवार, शिवसेना कम्युनल पार्टी है क्या? मैंने आपको सवाल पूछा, आप जैसे मुझे सवाल पूछते मुझे भी सवाल पूछने का अधिकार है, डेमोक्रेसी है। आप मुझे जरूर पूछिए लेकिन मैं जवाब तो नहीं दूंगा। मुझे एक बताओ, शिवसेना कम्युनल पार्टी है क्या? ये मैं शरद पवार को पूछूंगा। नहीं नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, आपको अनुभव बहुत है, हम बहुत सालों से आपको जानते हैं, पूरा देश आपको जानता है, कौन सी कम्युनल पार्टी है और कौन सी नहीं है ये आपको भी अच्छी तरह से मालूम है। एक देखो ये सेक्युलर सोचने वाली नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार जी बीच में इनके साथ गए, किनके साथ? बीजेपी के साथ, फिर लालू के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ गए, वो कहां भी गए तो वो सेक्युलर है। चंद्रबाबू नायडू
उन्होंने भी यहां वहां यह डिसीजन लिया। ममता बनर्जी बीजेपी के मिनिस्ट्री में गई थी, वाजपेयी जी के, ठीक है ना, बिल्कुल वह मिनिस्ट्री में थी, लेकिन वो भी बाहर निकली। अभी वो सेक्युलर है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर बनी है, ऐसा चालू है ना। तो मैंने तो हमेशा बताया है मैं सेक्युलर विचारधाराओं का हूं, शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा से मैं आगे जाना चाहता हूं। मैं इसमें डेवलपमेंट के नाते इस गवर्नमेंट में गया हूं और काम करना चाहता हूं। मैं काम करने वाला आदमी हूं और मेरा काम चालू है। आपका काम चालू है, लेकिन आप पांच बार, अगर नीतीश कुमार का आपने जिक्र किया, नीतीश कुमार का एक रिकॉर्ड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उनको स्वेरिंग इन उनकी हुई है मुख्यमंत्री। आपका भी रिकॉर्ड है, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उप मुख्यमंत्री स्वेयर इन हुए, पांच बार। कभी कभी लगता है यार मुख्यमंत्री बनना है। अरे बनना है, लेकिन हमारी गाड़ी वहां ही अटकती है तो क्या करें। नहीं नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि वहां आगे भी जाए, लेकिन चांस नहीं मिलता। एक दफा एनसीपी को चांस मिला था 2004 में, लेकिन हमारे नेताओं ने वो क्या डिसीजन लिया हमें अधिकार नहीं। नहीं तो ये गाड़ी आगे कैसे जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक साल पहले आपने शरद पवार जी को इस वजह से छोड़ा था कि आपको लगा यहां मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कम से कम अगर मैं बीजेपी और शिवसेना के साथ जुड़ जाऊं बन जूंगा। अब हमारे साथ एकनाथ शिंदे कुर्सी पर ऐसे बैठे थे कि वो छोड़ने ही नहीं वाले हैं, तो अब क्या होगा। ये देखो, जो भी कोई भी कुर्सी पे बैठता है उनको वो कुर्सी अच्छी लगती है, आप वहां बैठे आपको भी अच्छी लगती है ना आपकी कुर्सी, वैसे ही सबका है। उसी हिसाब से कोशिश करना अपना काम है हर एक का, लेकिन अभी भी वो एम्बिशन है कि नहीं। नहीं, लेकिन सबको ये सीट एक ही है, महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर की सीट एक ही है और 145 मैजिक फिगर है। 145 मैजिक फिगर जो इकट्ठा करेगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। सर, आपकी अभी भी एम्बिशन है कि नहीं, ख्वाहिश है कि नहीं मुख्यमंत्री बनना। देखो, अभी मैं ये इश्यू के बारे में आपको जवाब देना नहीं चाहता। मेरी एम्बिशन यही है पहले महायुति का सरकार कैसे फिर वापिस महाराष्ट्र में आएगा उसके बारे में हमारी पूरी कोशिश चालू है। वो आने के बाद हम बाकी का सोचेंगे। सबका वैसा ही है, महाविकास आघाड़ी का भी वैसा है। ये देखो विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ जी बैठी है, उनको भी पूछो, वो भी बोलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि सबको ऐसा लगता है कि अपना चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन वो होने वाला नहीं है। हाउ मेनी सीट्स ये महायुति, हाउ मेनी सीट्स? हम जितने भी सीट पहले हमारे थे उसी हिसाब से, ये देखो ज्यादा करके 2019 में बीजेपी के सिंबल के ऊपर कितने सीट आए उतने तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, एनसीपी के कितने आए उतने एनसीपी लड़ेंगे, शिवसेना के कितने आए वो लड़ेंगे, खाली कितने रहते जो कांग्रेस की सीट है और निर्दलीय है या इससे कोई पार्टी है, इनके करीबन हमारे सबके मिलके करीबन 200 सीट तो ऐसे क्लियर है, 200 सीट नहीं 105 चले, हाँ करीबन 200, तो 88 के सीट के बारे में बंटवारा होगा। बाकी तो जो पहले दफा 2019 में जीत के आए थे उतने सुठारे को मिलना। आपने सीट शेयरिंग फॉर्मूला एक तरह से हमें बता दिया क्या होगा, लेकिन आखिरी सवाल, कुछ दिनों में दशहरा आएगा, उसके दशहरा उसके बाद दिवाली, जब पवार परिवार घर पे मिलता है आप लोग दिवाली के दिन गणपति के दिन एक साथ मिलते हैं कि नहीं, वो अभी तक उठना बैठना है कि नहीं। ये देखो मैं गवर्नमेंट में गया जुलाई में, उसके बाद दीपावली आई थी, दीपावली में हम एक दूसरे के साथ गए थे, मिले थे, एक होके दीपावली हमने बट ये कैसा है कि आप चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, दीपावली रक्षाबंधन गणपति एक साथ गुजारेंगे। सुनो ना, हमारे यहाँ मेरी आंटी है सरोज पाटिल, उनके मिस्टर थे एनडी पाटिल। एनडी पाटिल ने जब से वो पॉलिटिक्स में थे, वो अभी गुजर गए,
तब से वो अपोजिशन में थे, लेकिन जब घर पे आते थे, घर में पॉलिटिक्स नहीं रहता ना, घर में तो एक आप दूसरे एक दूसरे को कोई खाना नहीं देता क्या? खाना तो देता है। तो लास्ट में ये कैमरा है, हाँ। वहां शरद पवार बैठे हुए हैं लास्ट रो में, हाँ। क्या कहेंगे अजीत पवार शरद पवार को आज? अरे वो मेरे बड़े अंकल है, उनको क्या करूंगा, उनके आंखों में आंखों दाग के मैं देख भी नहीं सकता, मैं ऐसा करूंगा। अच्छा, फिर से आपके चेहरे पर स्माइल आ गई। मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा, अजीत पवार हैज नॉट स्माइल्ड सो मच एज ही हैज इन द लास्ट वन मंथ। ये नए अजीत पवार है। शायद आप एक टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे कुछ दिनों बाद, जिस तरह से मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। अगर क्लोजअप ने और कोलगेट ने मुझे लिया तो जरूर करूंगा। ओके चलो, इफ देयर इज एनीवन फ्रॉम कोलगेट एंड यू वांट टू नो हाउ टू स्माइल एज अ पॉलिटिशियन, प्लीज टर्न टू अजीत पवार। ऑल्सो नाउ इन ऑल हिज रैली 75% ऑफ द क्राउड इज वुमेन, बिकॉज ही हैज डिसाइडेड कि वुमेन वोट बैंक विल डिसाइड द वोट। सो गो टू एनी रैली ऑफ अजीत पवार, महिला ऑलवेज फर्स्ट रो में, ये भी कुछ नयापन है। हाँ बराबर है ना, मैंने देखा है, मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं। 91 में मैं पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, उसके बाद जो भी चुनाव आए, एमपी के हो एमएलए के हो, वो हमेशा मैं उसमें काम करता रहू करता था, आज तक करता हूँ। तब मैंने देखा ये जो महिलाएं हैं उनके मन में जिनको वोट देना है वो उसके पति को पूछते हैं क्या करना क्या नहीं करना है, लेकिन वो जाके उनको जो सही लगता है वही बटन दबाते हैं। चलिए, वी विल सी वेदर योर महिला वोट बैंक स्ट्रेटेजी वर्क्स। अजीत पवार 5 times डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वांटिंग टू बिकम चीफ मिनिस्टर। अजीत दादा, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।